जय जगन्नाथ रोकठोक को आपन को स्वागत करछु मु दुर्गाशीष जो टॉपिक अछि जे गरीब बना मुस्ताकिन एठी गरीब हेउछि जे न्याय पई लढै करथुबा से माठी एठी गरीब से युवती थिला जे असदाचरण रो शिकार हैला पुलिस स्टेशन गला थाना रे एफआईआर देला एवं कोहळ दफा लगे कि अभियुक्त शेख मुस्ताकिन को छाड़ी दिया गला एवं सबुड़ बड़ प्रश्न जे तापरे शेख मुस्ताकिन रो परिवार लोके धमक चमक देले एवं युवती रियलाइज कला जे से आउ न्याय पाइबनी एवं लोकलज्जा भय रे आत्महत्या करी देला गोटे जीवन पलै गला तथापि पुलिस रो निद भांगुनी एवं एबे बड़ प्रश्न जे टीम चरण सिंह मीना जे होछंती भद्रक रो एसपी से कहार एवं ये भद्रक मिर्जापुर रो कला कहानी एवं जो कला कहानी रो एबे खलनायक भूमिका रे आसुछंती टीम चरण सिंह मीना एथी पई मु कहूची एथी पई ए वार्ड यूज करूची जे एंगल चेंज करिया पई चेष्टा करूछंती कोहळा दफा लगेथिले जदी ठीक दफा लगे थांते जेल रे थांता शेख मुस्ताकिन ताहले से युवती तृष्णा राणी आज जीवित थांते आत्महत्या करि न थांते जेहेतु न्याय पाइलेनी सेथि पई आत्महत्या करि देले तृष्णा राणी एवं एबे न्याय पई लढै करूछंती तृष्णा राणी का परिवार लोके किंतु ताकु लव एंगल देकि डाइवर्ट करिया पई चेष्टा करूछंती चरण सिंह मीना एंड टीम ये सही चरण सिंह मीना जे स्मितारानी केस रे जाजपुर रे विवादीय होइतिले एवं कोहळ दफा लगाइबा जेमिति तांकर गोटे अभ्यास एवं जो अवांतर प्रश्न पचारुची पुलिस जे मोबाइल यूज करूथले ना नाही का सहित अफेयर थिला ना नाही ये सब प्रश्नर असदाचरण सहित कौन संपर्क ताकु नेकी बड़ प्रश्न आसुची डिबेट आरंभ करिबा मो सहित जोड़ी हेबे तृष्णा राणी को माँ भद्रक्रु आम सहित रहिबे वरिष्ठ आईनजीवी सुक्त मानस चांद कटक्रु एवं भद्रक्रु आम सहित जोड़ी हेबे भद्रक जिला महिला मोर्चा बीजेपी महिला मोर्चार सभानेत्री मैडम हरप्रिया साहू प्रथम आरंभ करिया पई चाहिबी निहाती जे पीड़िता अछंती जे न्याय पई लढै करूछंती से माँ ठारु आरंभ करिया पई चाहिबी मौसी आपनकु कौन लागुची पुलिस आपणक सहित चित्त बिल्कुल भी छिड़ा हैनी बरंग से मुस्ताकिन को सुरक्षा दौंती यहाँ आपण को आपण या ही भावुंट मौसी भावुन से मैंने आसिक काली देख ली से पुलिस आसिक जो भाग इनिगेसन कला मत आसिक पचरा उचरा कले मत सब कथा कहले कही सारापर जो कहले जी सी मोबाइल यूज कर फोन नंबर के भल पाला कि ना यही सब घटना कहले झी मान भी पचरा गला मत भी मोबाइल फोन नंबर मगाई आई सब घटना को मु लक्ष्य करुच्चीपर मुझे भी बसी बेले मुझी से पुलिस जी गुरा है कि डंगा है कि सी भी ये बसी पांच जन पुलिस मझीरे से मोर देशर हिसाब हे रुबी बापा ताक डाक पाखर बसई बसई सब कहते बुझे सब कथा कहले तुम्हें गोटे काम कर ना तुम सान भाई से तुम कौन हम सी कहले मो सान भाई हम आ सान भाई हम जदि तुम बुझे बाजे दौना से कहीं कर झीटा तो चलीगला आई सांगर नहीं चलूना आम पाखक आम गोटे कि आत बड़ इश्यू कने कौन हम पुलिस जो भद्रक पुलिस जो आपण झीर जीवन जाइए भद्रक पुलिस जेहेतु न्याय पाइबनी बोली फील कले आपण झील एवं अनुभव कले से आत्महत्या कले पुलिस दायी मौसी हाँ संपूर्ण रूपे पुलिस दायी काली जहाँ अनुभव कली से भी कौ ऑर्गेनाइजर से जो आसी समस्त को डक बसिक मो पाख सब कथा नहीं निजे भी से पुलिस कहला सी तो तीन लक्ष टा नहीं चलीगला या कौन देला ये भला दे था कि टा मैं घर द्वार कर भावुची सी संपूर्ण रूपे सपोर्ट करी से चाहूना कि मो झी केमी न्याय पाइब दोषी को दंड दिजाव सी एवं भी सी चेष्टा करना किए किए क्या कहला तीन लक्ष टा किए कहला से निजे से पुलिस आई आई सी जी आसते से निजे कहले मैंने किए पैसा नेला
3 लाख टंका ऑर्गेनाइजेशन नै गला न्यूज 3 लाख टंका न्यूज माने आमे न्यूज देखै छिलु आर्गस न्यूज कथा से कहउछन्दि हां ठीक अछि टीम चरण सिंह मीना भद्रक एसपी चरण सिंह मीना मु आपन को खोला चैलेंज करू छी आपन जो कथा जाई कि प्रचार करू छंती जो कथा कहउछंती जेहेतु आपण माने बैकफुट रे अछंती जेहेतु पीड़िता पक्ष रे नुहे आपण मुस्ताकिन सपक्ष रे अछंती सेति पय मिछ प्रचार करउछंती आपणकर ससास अछि आपण प्रमाणित करि कि देखंतु आपण पैसा दैछंती बोली आपणक आईआईसी आपणकर पुलिस अधिकारीकर जदि ससास अछि मु अर्गस तरफ रे खोला चैलेंज दिया जाउछि आपण आसी कि प्रमाणित करंतु आपण जेहेतु बैकफुट रे अछंती आपण गोटे पीड़िता को न्याय दे पारु नांती आपण अभियुक्त शेख मुस्ताकिन सपक्ष रे लडुछंती सेति पय मिथ्य प्रचार करुछंती आमे तो चैलेंज करुछु आमे खोला चैलेंज करुछु आपणकर ससाहस जदि अछि आपण प्रमाणित करंतु आपण प्रमाण दियंतु मैडम हरप्रिया साहू आम सहित जोडी होइछंती मैडम ये भद्रक पुलिस ये मुस्ताकिन सहित अछंती ना ए पीड़िता सहित अछंती आ खबर प्रसारण कले ये मिथ्या प्रचार करुछंती मैडम हरप्रिया साहू दुर्गाशीष भाई एटा केवल भद्रकवासी नुह संपूर्ण ओडिशावासी जानी सारे पुलिस कहा सहित अच्छी पीड़िता सहित अच्छी कि शेख मुस्किम्र फैमिली सहित अच्छी आज से माने न्याय दबा को से पीड़िता को असमर्थ से पीड़िता जेते बड़े ता फैमिली मेंबर से शेख मुस्किम्र फैमिली मेंबर तार पुओ जो तीन जन जो मेंटली टॉर्चर ताकू करिसेंती ताकू जो हरास फील करिसेंती ता फैमिली मेंबर को जो अपमान करिसेंती से माने से गां गां बुली की ताको निजो फैमिली मेंबर को धमक देइसेंती तथापि पुलिस आज ताकर किछि भी करि पारुनी ना कहा प्रेशर रे करू नाही ना सेटा तो आमे माने एपर्यंत बुझि पारुनु गोटे पीड़िता मरी सारिला परे ता फैमिली मेंबर एते लड़ी सारा पर आज पर्यंत से अरेस्ट करी पारी ना मोर जिते बड़े पुलिस भाई मान सहित कथा से इन्वेस्टिगेशन चली कौ प्रकार इन्वेस्टिगेशन चली आम एपर्यंत बुझीपारे कि 8 दिन हो गला 8 तारीख से सुइसाइड करा से झील से दिन से जो शेख मुस्किम को केवल अरेस्ट कर जो तीन जन पु ये तो 70 वर्ष वृद्ध सी कौन ता पा मैंने तार जो तीन टा पु सी बेल जिते बड़े थिला अरेस्ट होपे से कही आम देखू तो आम बापा सहित यह आम देखू आम बाप 2 दिन भितर बाहरी आसब तो यह जो धमक दे कि से तीन टा जाक पुओतांर फैमिली को एत प्रेसर करदे से झील लास्ट को लोकलज्जा न सही पारिक आत्महत्या कला कि आज पुलिस कौच मोर आम इनभेस्टिगेसन चली आम कौ आधार अरेस्ट करूँ मोर गोटे कथा दुर्गाशीष भाई पुलिस जिते बड़े शासक दल नेता मान ब्लैक फ्लैग देखा जाए पुलिस अटेम्प्ट टू मर्डर से अरेस्ट करे आज जिते बड़े से वृद्ध से झील को हाथ टाणी घोषाड़ी की नहीं गोटे रूम रे बंद कर म्यूजिक लगाई सहित असदाचरण करने को ट्राए करूला रेप करने को ट्राए करूला सेत बड़े पुलिस कहूँ एफआईआर रे प्रॉब्लम अच्छी एफआईआर से संपूर्ण लिखी ना एफआईआर संपूर्ण लिखी ना सुक्त मानस चांद अच्छा सुक्त मानस चांद जो कथा मैडम हरप्रिया साहू कहउछंती एक रे जे जो माने धमक चमक देले एवं लोकलज्जार जन युवती आत्महत्या कला एटा एवेटिंग टू सुइसाइड प्रवर्तवर दफा ये आसवन कि यहाँ गोटे क्राइम नुह कि द्वितीय कथा होची जे एफआईआरटा से माने लेखि नथिले जोटे गरीब लोक एफआईआर लेखापी से जाणी निजे केमती एफआईआर लेख से दायित्व कार जो घटना नारेट करुच्छे जड़े पीड़िता से एफआईआरटा से आधार लेखा दायित्व पुलिस ना नुहे देखु मु प्रथम आपको क्लीयर कहीदे 190 सीआरपीसी क्लीयर कहला पुलिस पाखे जदि जड़े लोक आसिक लिखित आगे अभियोग कला भरबाली मुहर में कहला गोटे मो सा अत्याचार कर मो एगेस्ट एमती गोटे क्राइम होती गोटे कग्निजेबल क्राइम धर्तव्य अपराध है पुलिस सो मोटो एफआईआर रजिस्ट्रेशन कर सेटा पुलिस पावर अच्छी यही तो बहुत आगू पलैला केवल जो लोग धमक चमक दे 294 खराब आशे गाड़ी गुलज कला 500 धमक चमक देखा धर्तव्य अपराध आसूसी पुलिस निजे सो मोटो तरफ एफआईआर कर जो पर्टिकुलर हरप्रिया मैडम जहाँ कहते हैं तार मैडम तार माँ जहाँ कहते हैं पीड़ित माँ जहाँ कहते से तो जना पड़ी अत्याचार चरम सीमा आसी जाए जहाँ फल झील सुइसाइड करने बाध्य
ତେଣୁ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ସମୟରେ ଆଉ କୌଣସି ଏଫଆଇଆର ଦରକାର ନାହିଁ, ଲିଖିତ ଆକାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ପାଖରେ କେବଳ ଖାଲି ଖବର ବି ପହଞ୍ଚିଲା, ଯେମିତି ସପୋଜ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଜଣେ ଲୋକ ଫୋନରେ ଟେଲିଫୋନ୍ ବି ଖବର ଦେଲା, ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଟେଲିଫୋନ୍ ଆଧାରରେ ମଧ୍ୟ ଏଫଆଇଆର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଗିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ପ୍ରଥମ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ପୋଲିସ କୌଣସି ଚାପରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ମାନେ କୌଣସି ମାନେ ଗୋଟେ ତା'ର ରଙ୍ଗ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ହେଇକି ତାର ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ସେ ଏଫଆଇଆର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିନାହିଁ। ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତାକୁ ଏଫଆଇଆର ଦିଆଯାଉ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ କାଳକ୍ଷେପଣ ନୀତି କରି ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି 8 ତାରିଖ ହେଲାଣି, ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 16 ତାରିଖ ହେଇଗଲା, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ପରିବାରବର୍ଗ ସେମିତି କିଛି ଆଖିଦୃଶିଆ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉନି। ତେଣୁ କିଛି ଏଥିରେ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୋଲିସର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଅପରାଧୀକୁ ଘଣ୍ଟା ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି, ନିହାତି ଅପରାଧୀକୁ ଘଣ୍ଟା ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ। ଇଏ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଶ୍ରୀକ୍ତ ମାନସ ଚାନ୍ଦଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଉକ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଲ ଯାହା କହୁଛି ଯେ ଇମିଡିଏଟଲି ଆକ୍ସନ ନେବା କଥା, ଏବଂ ଆଧାର କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ମାଉସୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। କୃଷ୍ଣା ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ, ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଦେଖା କେବେ ହେଇଥିଲା? ନିହାତି ମନେ ପଡ଼ୁଥିବେ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା କଥା ନୁହଁ। ବଟ୍ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଦର୍ଶକ ଜାଣିବା ଦରକାର। ମାଉସୀ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖା ମୁଁ ସେଦିନ ସକାଳେ, ସେ ଭାତ ମୋତେ ସଜାଡ଼ିକି ଦେଇଥିଲା, ମୁଁ ତା ବାପା ପାଖରେ ଦେଇଥିଲି, ଦେଇକି ମୁଁ କ୍ଷୀର ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ କ୍ଷୀର ଦେଇକି ଆସିଲା ବାଟରେ ମୋତେ ତ ସେମାନେ 5-6 ଜଣ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ତା ମୋତେ ତା ବାପ ବି ସେଠି ବସିଥିଲା। ସେ ବିଦ୍ୟାଧରାଡ଼ି ପାଖକୁ ଇଆଡ଼ୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ବାଙ୍କ ମୋଡ଼ ଅଛି ବସିଥିଲା। ଆଉ ମୋତେ ଜଣେ କହିଲେ, ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ସେ କେସ୍ଟାକୁ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନେ ପଛେ କେସ୍ଟାକୁ ଉଠେଇଦେ, ଆମ କଥା ସେ ମାନିଲାନି। କ'ଣ ହେଲା, ଆମ ବାପାକୁ ତ ଆମେ କାଢ଼ି ଆଣିଲୁ, ଆମକୁ କ'ଣ ହେଲା? ତାପରେ ସେ ବୁଢ଼ା ଆଉ ହସି ହସି କହିଥିଲା ଯେ ମୋର 6-6ଟା ପୁଅ ଥାଇଥାଏ, କିଏ ମୋର କ'ଣ କରିବ, ଆଉ ଅସଭ୍ୟ କଥା ବି କହିଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଉ ମୁହଁକୁ କ'ଣ ଅନେଇ ମୋର ତଳକୁ ଅନେଇକି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଆସି ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିନି ପହଞ୍ଚିକି ମୋ ଶାଶୁ ବିରି ବାଟୁଥିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ସେ ସକାଳ ଆଉ ଦେଖିନି। ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଝିଅକୁ ଦେଖିନି, ମୁଁ ଦେଖିନି ବିରି ବାଟୁଥିଲା। ମୁଁ କହିନି ଆଉ ମାଆ ଆସିଲା ବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇ କଥା କହିକି ସେଠୁ ଆଖିର ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇକି ଆଉ ମୁଁ ମୋର ପଳେଇଗଲି ଏଠିକି ଗୁରୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ପଡ଼ିଆକୁ, ପଡ଼ିଆର ଗୁରୁ ବାନ୍ଧିକିରି ଆସିନି। ଆଉ ଆସିକି ଗୁରୁ ବାନ୍ଧିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ କବାଟ ଦିଆହେଇଛି, ମୁଁ ଡାକିନି ଯେତେ ଲିନା ଲିନା କହିକି, ତାର ହେଉଛି ପୁରୁଣା ନାଁ ହେଉଛି ଲିନା, ଲିନା ଲିନା କହିକି ମୁଁ ତାକୁ ଡାକିଲି, ଲିନା ଲିନା କହିକି ଯେତେ ଡାକିଲି ସେ ଜମା ଶୁଣିଲାନି। ମୁଁ କବାଟ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭିତରକୁ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିହାତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହୁଁନି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟକୁ ସେଇଟାକୁ ପୁଣି ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମାଉସୀ, ଯେଉଁ ପୁଲିସ ବୁଝାମଣା କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲା, ଏ ପୁଲିସ ଆପଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଆପଣ ବି ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ଇଏ ଲାଞ୍ଚୁଆ ପୁଲିସ, ଏମାନେ ଲାଞ୍ଚ ଖାଇଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଲାଞ୍ଚ ଖାଇଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ମୋ ଝିଅକୁ ମାରିଦେଲେନି ତ ମୋ ପୁଅକୁ ମୋ ଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ, ମୋ ପୁଅ ସିଏ ଥିଲା ମୋ ଘର ପାଇଁ, ବାପ ହଉ ସାଙ୍ଗର ସିଏ ଦୋକାନ ଯାଇକି ସମ୍ଭାଳୁଥିଲା, ବଜାରର ସଉଦା କରିକି ବି ଆସୁଥିଲା, 1000-1000 ଟଙ୍କାର ବାପ ସଉଦା କରି ଚିଠା ଦେଇଦେବ, ସେ ସାଇକେଲ ନେଇ ବୁଲି ବୁଲି ଚିଠା ସଉଦା କରିକି ଆସୁଥିଲା, ବାପ ସହିତ ବି ଯାଇ ବିଲର ଧାନ କଟା ବନ୍ଧା ଉଠା କରୁଥିଲା। ସିଏ ମୋର ଝିଅ ଥିଲା ନାହିଁ, ସେ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ଥିଲା, ମୋର ପୁଅ ଛୋଟ ଛୋଟ ବୋଲି ସିଏ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ବାପକୁ। ମୁଁ ଭାବିଥିନି ଯେ କେବେ ସିଏ ମୋର ଝିଅ ବୋଲିକି, ବାପ କହିବ ତୁ ମୋର ଝିଅ ନୁହଁ ମୋ ପୁଅ, ଆଜି ସେ ମୋ ଠାରୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇ। କିଏ ଦାୟୀ ମାଉସୀ, କିଏ ଦାୟୀ, କ'ଣ ଲାଗୁଛି କିଏ ଦାୟୀ, କାହିଁକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ହରେଇଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ? ଏଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଯେତିକି ଦାୟୀ ସେ ବୁଢ଼ା, ସେ ଇଏ ପୋଲିସ ବି ସେତିକି ଦାୟୀ। ବୁଢ଼ା ତ ଯାହା କଲା ମୋ ଝିଅ ଜୀବନଟା ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଯାଇନଥାନ୍ତା ଏ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଗଲା, ପୋଲିସ ତାକୁ ମୋ ଝିଅକୁ ମରେଇଲା। ଭଦ୍ରକ ଏସ୍ପି ଚରଣ ସିଂ ମୀନା, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ମାଆର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାର ସତ୍ସାହସ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି? ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ କି? ଏ ମାଆ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ପାଇଁ, ଭଦ୍ରକ ପୁଲିସ ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ହରାଇଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ ଆପଣ, ନା ଆପଣ ଛିଡ଼ା ହେବେ ଶେଖ ମୁସ୍ତାକିନ, ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଯିଏ 70 ବର୍ଷୀୟର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ
असदाचरण करिसंती जने युवती को आपण ता सहित छिड़ाई ता परिवार सहित छिड़ाई किंतु ए गरीब माँ सहित आपण छिड़ा हेनांती मासी आपण को लागुची जे आपण गरीब बोली पुलिस आपण को सहित व्यवहार कला हाँ यहाँ निहाति सत कथा मु गरीब बोली मो झी मु आज जा कौच कौन मो झी ए भाविक भी मरी गरीब बोली से न्याय पाइलानी से पुलिस ताकु कहला जे जो भाई कर्म हो बुढ़ा 20 वर्ष जेल हो तीन दिन छाड़देला मो झी न्याय पाइलानी बोली सी निजे आत्महत्या कला लोक लज्जा सही पार नहीं से आत्महत्या कला जदि पुलिस ठीक ताकु विचार दे था सब इन्वेस्टिगेशन कर था जो झी मैंने देखी थे डक था डक सब कथा बुझी था तेब जा मो झी न्याय मिली था डीजीपी आभा कैप्टन दिव्य शंकर मिश्र आ भद्रक एसपी चरण सिंह मीना आपण ए मार कथा को शुणुंट डीजीपी आभा आपणकर ये हूँ मो पुलिस एग्जांपल ये माँ कौच जे से गरीब बोली ता झी न्याय पाइलानी एक कथा परीरा माँ भी कही एक कथा पिहूर माँ भी कही एक कथा उल्लास जेना माँ भी कही एक उदलार से माँ भी कही जो मैंने न्याय लड़े करते कहते आम गरीब बोली आमको न्याय मिलूनी हरप्रिया मैडम आपण रिएक्शन नापी चाहिए एवं गोटे लव आंगल नापी चाहू पुलिस एवं से फोन धरुले कि ना से कह सहित कथा होते ये सब कौन ये सब तदंतर की पार्ट हरप्रिया मैडम एक्चुअली सत कथा है पुलिस वर्तमान शासक दल चापारे चेपा गोटे सेंटेंस रे कहिया को गले से बर्तमान शासक दल रे कार्य करुछंती आमको जहाँ अनुभव हुए आमे बहुत दुखित तो कि आज निरीह गरीब झीर परिवार को आमे न्याय दवापाई एत लड़े कला भी आज दीर्घ आठ दिन बीती जा सारापर भी पुलिस सेमती किसी आखिदृश्य पदक्षेप पुलिस नौना पुलिस वर्तमान पुलिस कार्यकलाप समस्त वर्तमान गोटे क्वेश्चन मार्क पाल्टी जा करुच्ची कौन पुलिस कौन इन्वेस्ट वर्तमान जमी से आडभकेट सार बस कहले कि एफआईआर जरूरत ना जदि कहे जदि जड़े पीड़िता जामती कह बिना एफआईआर भी वर्बाल भी आरेस्ट करहब कि आमको पुलिस कहते जिते बड़े ता बापा आसी झी मल्ला ता बापा आसी आमको एफआईआर देला से मेनसन से पुओ मान ना करेंपाई आम कि करें इन्वेस्टिगेशन करुचु जदि किसी मिले ताले आम अरेस्ट करेबु तो ये सब कथा आम मानी बहुत दुखदायक कथा आम 48 घंटा टाइम दे 48 घंटा पर मुझ पुलिस को फोन कली कि कौन है आमर तो 48 आवर्स डिमांड पूरा हो गला से तुम डिमांड पूरा हो गले भी आम ल हिसाब से चलुचु आम इन्वेस्टिगेशन करुचु जिते बड़े आमको मिलजि किसी से एग्नेस्ट आम सियोर स्टेप नबु किंतु आपण माने कहतु आपण माने से इश्यू को उठाऊ आपण माने भी 3 लाख टंका नहीं आप इल्जाम भी पुलिस वाला लगे तेणु करके सारा भद्रकवासी आम मैंने ये अपेक्षार रही केते शीघ्र से न्याय मिलू आउ ये जो आई आई सी एत सब भि आई चाहिए से जो जो से झी जो कम्प्लेन दे तो शीघ्र कार्यानुष्ठान निजाऊ ये जो शेख मुस्किम्र तार जो तीन पुओ को अरेस्ट कर से पीड़िता को न्याय दिंतु ओके पीड़िता को न्याय दे पुलिस एवं भद्रक एसपी चरण सिंह मीना आपड़ न्याय देवा दिगरे काम करुछंती आपणक टीम मुस्ताकिन को सुरक्षा देवे काम करुक्त मानस चंद आपण रिएक्शन नापी चाहिए 8 दिन पर आज पुलिस गला गत काली पुलिस जा पचराउचरा या कला जे तृष्णाराणी मानने जे युवती से मोबाइल व्यवहार करुले ना ना मोबाइल रे कहा सहित कथर क्या सहित प्रेम संपर्क थी कि गोटे झियो जी असदाचरणर शिकार एवं न्याय नपाई आत्महत्या करी एवं पुलिस जाइकी से फोन यूज करुले ना ना एवं से कह सहित गपुले ये रिलेवेंट हो मानस देखो प्रथम कथा हूँ पुलिस जो पचरा कर फोन यूज करते ना फोन नंबर इत्यादि यहाँ इरेलेवेंट बोली कहुपरि पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन किंतु तांगे किसी मत मिलना ना मेन जिन जिते अभोग निर्दिष्ट अभियोग आसला से जो तीन टा पिलार बापा बयस 70 वर्ष असाधारण कले एगेन्स्ट एक्शन नवार नवार रिलेटेड जहाँ क्वेश्चन से गुड़ा देखा कथा और ताप छड़ा मत मेन जिनस केसटा जहाँ आसूस 306 अबेटमेंट टू कमिट सुइसाइड
ଜଣେ ତାକୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ମାନେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ, ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ, ଏବଂ ଯାହା ଅସଦାଚରଣ କରୁଥିଲେ ଶାରୀରିକ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଯାତନା ଥିଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ଉପରେ ଜଣେ ଲୋକ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଛି ନା, ସେ ତା ଆଙ୍ଗଲଟା ଏଇଭଳିଆ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତା ନ କରିକି ପୋଲିସ ଯେମିତି ଗୋଟେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ କେସ୍ ଚାଲୁ ଚାହୁଁଛି କାଳକ୍ଷେପଣ ନୀତିରେ, ପୁଣି ମାନେ ପୁଣି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯାହା ବି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଭଦ୍ରକ ଯେଉଁ ଏସ୍ପି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହାତ ଅଛି, ଏ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସ କ'ଣ କରିବ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଉପାୟରେ କେସ୍ଟାକୁ ଦିନ ଗଡ଼େଇବ, ତା ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକ ଭୁଲି ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ବି ଯେଉଁ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ରୋଶଟା ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କମିଯିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଧୀରେ 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 ଜିନିଷ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ପୋଲିସ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେନ୍ ଜିନିଷ ତା ଫୋକସ୍ କରିବା କଥା ଯେ ଆବେଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କମିଟ୍ ସୁଇସାଇଡ଼୍ରେ, କାରଣ ଝିଅଟା ଯେତେବେଳେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରୁଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ତା ଦେହରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଅସଦାଚରଣ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ତାରି ବଳରେ ସେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କଲା, ସେଇ ବାବଦ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିକି ସେଇ ବାବଦ କିଛି ପ୍ରମାଣ କଲେକ୍ଟ କରିଦେବା, ଯାହାକି ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଏଲ୍କୁ ଯିବ, ବିଚାର ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେଟା କାମ କରିବ, ତା ନ କରି କେସ୍ଟାକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ତେଣୁ ପୋଲିସର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଅଭିସନ୍ଧିମୂଳକ, ଏବଂ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ଏକ୍ୟୁଜ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଚରଣ ସିଂ ମୀନା ଯିଏ ଏସ୍ପି ଅଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକର, ଇଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଏବଂ ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଗରିବ ମାଆକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ଦେବା ପାଇଁ, ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଯୁବତୀ ଯିଏ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି, ସେ ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା କଥା ଯେ ଗୋଟେ ମା ଲଢ଼େଇ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଝିଅର ଜୀବନ ଯାଇଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ସେ ଶେଖ ମୁସ୍ତାଖିନ ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାକୁ ଘଣ୍ଟା ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ। ୟାଠୁ ନିନ୍ଦନୀୟ ଲଜ୍ଜିତ କଲାଭଳି ଘଟଣା ଆଉ କିଛି ନ ହୋଇପାରେ। ମାଉସୀ, ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ଆପଣଙ୍କର ବିଲକୁଲ ତ ଭରସା ନଥିବ ପୋଲିସ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ଆଉ ସବୁ ସେମାନେ ବି ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମୋର ବି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଆଉ ପୋଲିସ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବ, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବ, ଆଉ ମୋ ଝିଅକୁ ନିଶ୍ଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ମାଆର ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି, ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଏସ୍ପି ଚରଣ ସିଂ ମୀନା, ଆପଣ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ଯେତେ ମିଛ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୁସ୍ତାକିନ ସପକ୍ଷରେ ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଘ ସେ ମା ସପକ୍ଷରେ ରହିଛି, ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି ସେ ମା ସପକ୍ଷରେ ଅର୍ଘସ ଛିଡ଼ା ହେବ। ଆପଣ ଯାହା କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ଯାହା କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଯେ ଅର୍ଘସ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ ଘଟେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କଳାକାରନାମାରେ ଶେଖ ମୁସ୍ତାଖିନ ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିଏ ଯେତିକି ଦାୟୀ, ଏ ପୋଲିସ ବି ସେତିକି ଦାୟୀ ଯିଏ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇଛି, ଯିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମ ସହିତ ମାଉସୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ତୃଷ୍ଣା ରାଣୀଙ୍କ ମା, ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନସ ଚାନ୍ଦ, ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହରପ୍ରିୟା ସାହୁ, ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ତଥା ଭଦ୍ରକ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାନେତ୍ରୀ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ଏ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଯୁବତୀ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି, ଏବଂ ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ଭଦ୍ରକ ପୋଲିସ, ଏବଂ ଟିମ୍ ଚରଣ ସିଂ ମୀନା ଏବେ କାଠଗଡ଼ାରେ, ଏବଂ ଆପଣ ଖଳନାୟକ ବୋଲି ପୀଡ଼ିତାର ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏ ମା ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ତାର ଆପଣ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ୟା ସହିଛି, ରୋକଠୋକ୍ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।